सितंबर का महीना आ गया है। यह महीना अपने साथ नई ऊर्जा और ताजगी लेकर आता है। ये वो महीना होता है जब नया मौसम शुरू होता है, दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी, सूरज की किरणें अब और भी सुनहरी लगती हैं, गर्मी कम होने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है। यह समय होता है जब हम अपने घरों में आराम से बैठकर इस ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। बारिश से धरती को नई जिंदगी मिलती है, हरियाली फिर से लौट आती है और खेतों में नई जान आ जाती है। यह समय होता है जब किसान अपने खेतों में नई फसलें बोने की तैयारी करते हैं। इस मौसम में हमारी खाने की थाली भी बदल जाती है। ताजगी से भरी सब्जियां और फल हमारे खाने का हिस्सा बनते हैं। ताजी हरी सब्जियां बाजार में आने लगती हैं। यह समय होता है जब हम अपने खाने में इन ताजगी भरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। यह समय किसानों के लिए भी नई उम्मीदें लेकर आता है। वे अपने खेतों में नई फसलें बोने के लिए तैयार होते हैं और अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाते हैं। वे अपने खेतों में नई फसलें बोने के लिए तैयार होते हैं। यह समय होता है जब वे अपने खेतों में मेहनत करते हैं और नई फसल की उम्मीद करते हैं। सितंबर का महीना बहुत सारी सब्जियां उगाने के लिए सबसे अच्छा होता है। यह समय होता है जब हम अपने बगीचों में नई सब्जियां उगा सकते हैं और अपने खाने को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। चलो जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जो सितंबर में आपके खेत और किचन की खूबसूरती बढ़ा सकती है। यह समय होता है जब हम अपने बगीचों में मेहनत करते हैं और ताजगी भरी सब्जियां उगाते हैं। यह समय है प्रकृति के साथ जुड़ने का, अपने बगीचे में समय बिताना और ताजगी भरी हवा का आनंद लेना। अपने हाथों से ताजी सब्जियां उगाने का मजा ही कुछ और है। यह समय होता है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर बगीचे में काम कर सकते हैं और एक साथ समय बिता सकते हैं, तो देर किस बात की। यह समय है अपने बगीचे को हरा भरा बनाने का और ताजगी भरी सब्जियां उगाने का। आओ इस सितंबर अपने घर और सेहत को हरा भरा बनाएं। यह समय है नई शुरुआत का, नई उम्मीदों का और नई ऊर्जा का। सितंबर का महीना बहुत सी स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां उगाने का अच्छा मौका देता है। इस समय मौसम न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, जिससे सब्जियां अच्छी तरह से बढ़ती हैं। आइए जानते हैं इनमें से कुछ खास सब्जियों के बारे में। ये सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। मूली, ये तीखी और रसीली सब्जी सलाद का स्वाद बढ़ा देती है। मूली में विटामिन सी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। मेथी, इसकी हरी पत्तियां स्वाद और सेहत से भरपूर होती हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम और विटामिन के होते हैं, जो हमारी हड्डियों और रक्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पालक, आयरन का अच्छा स्रोत, पालक बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद है। पालक में विटामिन ए, सी और के भी होते हैं, जो हमारी त्वचा और आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। धनिया, इसकी ताजी खुशबू किसी भी खाने को लाजवाब बना देती है। धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। मटर बीता तबे गेह बहता है। सर्दियों की ये मिठास सभी को पसंद आती है। मटर में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। सरसों, इसके पत्ते सरसों का साग बनाने के काम आते हैं और इससे तेल भी निकलता है। सरसों के पत्तों में विटामिन ए, सी और के होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं जो आप सितंबर में उगा सकते हैं, जैसे कि गाजर, चुकंदर और शलजम। इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं जो आप सितंबर में उगा सकते हैं। हर सब्जी की अपनी विशेषताएं और फायदे होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अगले भाग में हम इनमें से हर एक सब्जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि इन्हें कैसे उगाया जाता है, इनकी देखभाल कैसे की जाती है
और इन्हें खाने के क्या क्या फायदे हैं। मूली सर्दियों की एक खास सब्जी है। इसका तीखा स्वाद सलाद और अचार में बहुत अच्छा लगता है। मूली सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। मूली उगाना बहुत आसान है। इसे आप अपने घर की छत पर गमले में भी उगा सकते हैं। मूली उगाने का तरीका। सबसे पहले मिट्टी तैयार करें। मिट्टी में गोबर की खाद मिलाएं। अब मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाएं। हर गड्ढे में 2-3 बीज डालें। बीजों को हल्की मिट्टी से ढक दें। पानी का छिड़काव करें। कुछ ही दिनों में आपको मूली के छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगेंगे। मूली को नियमित रूप से पानी देते रहें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ना हो। सेक्शन 4, मेथी स्वाद और सेहत का खजाना। मेथी अपनी हल्की कड़वाहट और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। यह भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वह पराठे हों, सब्जियां हों या फिर दालें, मेथी का स्वाद हर डिश को खास बना देता है। इसकी हरी पत्तियां कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम और विटामिन ए, सी और के। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। आयरन से खून की कमी दूर होती है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं और विटामिन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मेथी खाने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है और खून भी साफ होता है। इसके अलावा मेथी का सेवन करने से भूख बढ़ती है और यह पेट की समस्याओं को भी दूर करती है। मेथी की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है, जो सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी होती है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मेथी के बीजों में मौजूद फाइबर और अन्य तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से मेथी का सेवन करने से डायबिटीज के मरीजों को काफी राहत मिलती है। मेथी उगाना भी बहुत आसान है। इसे आप अपने घर में ही गमले या छत पर उगा सकते हैं। मेथी के पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इन्हें ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। इसे आप गमले या छत पर भी उगा सकते हैं। मेथी उगाने का तरीका बहुत ही सरल है और इसके लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती। आप इसे छोटे छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करें। मिट्टी को अच्छी तरह से फुलाएं ताकि उसमें हवा का संचार हो सके। यह पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिट्टी में गोबर की खाद और नीम की खली मिलाएं। यह मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। अब मिट्टी में 1-2 सेमी गहरी नालियां बनाएं। यह नालियां बीजों को सही जगह पर रखने में मदद करती हैं और उन्हें अंकुरित होने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करती है। नालियों में बीज डालें और हल्की मिट्टी से ढक दें। पानी का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहराई में न डालें, वरना वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। मेथी के बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं। यह देखना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। मेथी को नियमित रूप से पानी देते रहें। ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नमी में रहे, लेकिन पानी इकट्ठा न हो। पानी का सही निकास होना बहुत जरूरी है, वरना पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं। इस तरह से आप आसानी से अपने घर में मेथी उगा सकते हैं और इसके स्वाद और सेहत के फायदों का आनंद ले सकते हैं। अंडर सेक्शन 5, पालक। हरी पत्तियों का पोषण। पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा पौष्टिक मानी जाती है।
इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और के बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पालक खून की कमी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है। पालक की खेती ठंडे मौसम में की जाती है। पालक उगाने का तरीका, मिट्टी तैयार करें और उसमें गोबर की खाद मिलाएं। अब मिट्टी में 1 से 2 सेमी गहरी नालियां बनाएं। नालियों में बीज डालें और हल्की मिट्टी से ढक दें। पानी का छिड़काव करें। पालक के बीज अंकुरित होने में 5 से 7 दिन का समय लेते हैं। पालक के पौधों को नियमित रूप से पानी देते रहें।